हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चर्षा। एंड आज का हमारा एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 24 के बैच में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी टॉपोलॉजी को। लास्ट क्लास में हमने टॉपोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था, फिजिकल टॉपोलॉजी एंड लॉजिकल टॉपोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है वो हमने किया था। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली जो हमारी टॉपोलॉजी है, फिजिकल टॉपोलॉजी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली हमारी टॉपोलॉजी रहेगी बस टॉपोलॉजी। बस टॉपोलॉजी में क्या होता है, देखो एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है टॉपोलॉजी से, इसीलिए हम एकदम डिटेलिंग में करेंगे इनको। मेन मेन सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, आप अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बस टॉपोलॉजी में क्या होता है कि आपके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी आपके नोड होते हैं ना, वो एक बैकबोन केबल से कनेक्ट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जो टॉपोलॉजी में बैकबोन केबल से कनेक्ट होते हैं सभी पीसी, या फिर आपकी बस टॉपोलॉजी में सभी पीसी कौन सी केबल से कनेक्ट होते हैं, तो आपकी बैकबोन केबल इसका नाम रहता है, बैकबोन केबल से कनेक्ट रहते हैं। इसमें हम एक ही सिंगल केबल यूज करते हैं जिसे हम बैकबोन केबल कहते हैं, ठीक है। तो उससे आपके सारे नोड्स कनेक्ट रहते हैं, तो या तो डायरेक्टली आपके केबल से कनेक्ट रहेंगे, या फिर एक ड्रॉप केबल, जैसे कि ऐसे आप एक ड्रॉप केबल का यूज कर सकते हैं अपने नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। ये बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल का मतलब आप दोनों साइड से यहाँ पे डेटा का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि जब एक नोड, फॉर एग्जाम्पल आपका ये फर्स्ट नोड कोई भी मैसेज सेंड कर रहा है, तो वो मैसेज आप सभी जितने भी आपके जो अदर नोड्स हैं उन सभी नोड्स को वो रिसीव होगा, फिर चाहे वो उसके लिए हो या ना हो, लेकिन ये सभी नोड, ये सभी पीसी उस मैसेज को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, बस टॉपोलॉजी के अंदर आता है। बस टॉपोलॉजी के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं, 802.3 ईथरनेट के लिए होता है जो हम यूज करते हैं, एंड नेक्स्ट आपका 802.4 भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे सिंपल होती है आपकी बस टॉपोलॉजी बाकी टॉपोलॉजी के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पे अगर हम कहें कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सभी जितने भी आपके रिसीवर्स होते हैं उन सभी को वो मैसेज रिसीव होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी बाकी नोड्स हैं उन सबको आपका मैसेज मिला है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रॉडकास्ट हुआ है। बस टॉपोलॉजी के अंदर हम क्या यूज करते हैं, CSMA यूज करते हैं। फुल फॉर्म क्या रहेगी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बस टॉपोलॉजी के अंदर कौन से एक्सेस मेथड को यूज किया जाता है, तो CSMA को यूज किया जाता है। CSMA की फुल फॉर्म रहती है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। उसके अलावा बस टॉपोलॉजी एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, एंड ये नॉन रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब नॉन रोबस्ट टॉपोलॉजी क्यों है, क्योंकि अगर आपके बैकबोन केबल में प्रॉब्लम आ गई, फॉल्ट आ गया, तो आपकी पूरी टॉपोलॉजी क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाती है। तो ये आपकी बस टॉपोलॉजी हुई। एडवांटेजेस क्या रहेंगे इसके, बस टॉपोलॉजी में जो आपके नोड्स होते हैं वो डायरेक्टली केबल से कनेक्ट रहते हैं, कोई हब यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट रहती है वो काफी लो रहती है। सेकंड, यहाँ पे जो केबल की कॉस्ट है वो भी बाकी टॉपोलॉजी से क्या रहेगी, कम रहेगी, लेकिन जो बस टॉपोलॉजी है वो केवल स्मॉल नेटवर्क बनाने में यूज होती है। कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल का यहाँ पे यूज होता है, एंड ये कितनी स्पीड को सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे 10 Mbps को सपोर्ट करते हैं। एक नोड में अगर फेलियर हो जाए, मींस कि अगर बैकबोन केबल खराब हो जाती है, तब तो आपकी टॉपोलॉजी क्रैश हो जाएगी, लेकिन अगर कोई नोड फेल हो जाता है तो बाकी नोड वर्किंग रहेंगे, इंस्टॉलेशन इजी रहेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये है कि सिंपल है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी केबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, केबल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है, आपको ज्यादा केबल्स यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। अगर केबल में फॉल्ट आ जाता है तो उसे ढूंढना थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम देता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि अगर दो नोड एक साथ मैसेज को सेंड कर रहे हैं, सेम टाइम पे मैसेज को सेंड करते हैं, तो वो मैसेजेस क्या होंगे, कोलाइड करेंगे, तो सिग्नल इंटरफेरेंस वहां पे आएगा।
न्यू डिवाइसेस को ऐड करने से आपका नेटवर्क क्या बन जाता है, स्लो बन जाता है। ठीक है, कम से कम डिवाइसेस है तो नेटवर्क फास्ट रहेगा, लेकिन आप न्यू डिवाइसेस ऐड करते रहेंगे तो आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या रहेगी, एटेन्यूएशन की। ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि एटेन्यूएशन क्या होता है, तो ये होता है कि इसमें आपके सिग्नल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, सिग्नल अगर आपका लॉस होता है तो हम यहाँ पे रिपीटर्स को यूज करते हैं टू रीजनरेट द सिग्नल। नेक्स्ट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी। अगर आपका ट्रैफिक हैवी है तो यहाँ पे कॉलिजन इंक्रीज हो जाएगा, एंड कॉलिजन को रिमूव करने के लिए या अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। वो क्या होते हैं, आपके प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, CSMA, CD, इन प्रोटोकॉल्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे काफी कम रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपका लैन होता है, इथरनेट लैन, वो आपका बस टॉपोलॉजी का एक एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, दूसरा जो आपकी केबल टेलीविजन होता है उसके अंदर भी हम बस टॉपोलॉजी का ही यूज करते हैं। अब चलिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी, CSMA की, तो CSMA के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। CSMA की फुल फॉर्म क्या होती है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, एंड ये आपकी एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेक्निक है जो आपकी यूज होती है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। क्या करने के लिए, डेटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है, जिससे कि आपका पैकेट क्या ना हो जाए, लॉस्ट ना हो जाए। यहाँ पे हम दो टाइप की बात करते हैं, फर्स्ट होता है आपका CSMA CD एंड सेकेंड होता है CSMA CA। CD means collision detection and CA means collision avoidance. CSMA CD इसके अंदर क्या होगा, collision को detect किया जाता है। Collision means क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा messages एक साथ flow कर रहे हैं, एक साथ transmit किए जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे में collision करेंगे, problem arise करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को interfere करेंगे, तो वही चीज होती है collision। तो यहाँ पे कॉलिजन को डिटेक्ट किया जाता है। अगर यहाँ पे पता चले कि कॉलिजन है तो सेंडर क्या करेगा, डेटा को ट्रांसमिट करना बंद कर देगा, एंड वो वेट करेगा जब तक कि कॉलिजन रिमूव ना हो जाए। ठीक है, कॉलिजन हट ना जाए। CSMA CA ये भी एक टेक्निक है। इसके अंदर क्या होता है, ये मेथड यूज किया जाता है टू अवॉइड द कॉलिजन बाय चेकिंग वेदर द ट्रांसमिशन मीडिया इज बिजी और नॉट। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इतना डिटेलिंग में हमारा ये टॉपिक गिवन भी नहीं है। तो CSMA CA के अंदर कॉलिजन को अवॉइड किया जाता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि ट्रांसमिशन मीडिया बिजी है या नहीं। अगर यहाँ पे बिजी है तो वो क्या करेगा, सेंडर वेट करेगा जब तक कि मीडिया आइडल ना हो जाए। एंड CSMA CD में क्या किया जाता है, यहाँ पे वो डिटेक्ट करता है कॉलिजन का। अगर कॉलिजन मिल जाए तो सेंडर यहाँ पे स्टॉप कर देगा ट्रांसमिटिंग द डेटा। यहाँ पे वो वेट करता है जब तक कि वो फ्री ना हो जाए, आइडल ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपका CSMA CD एंड CSMA CA। सेकेंड टॉपोलॉजी हमारी होती है रिंग टॉपोलॉजी। रिंग टॉपोलॉजी आपकी एक बस टॉपोलॉजी की ही तरह होती है, लेकिन रिंग टॉपोलॉजी के अंदर सभी नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट है एंड एक रिंग को यहाँ पे ये फॉर्म करते हैं। हर एक नोड के दो नेबर्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हर एक नोड के कितने नेबर रहेंगे, दो नेबर्स होते हैं। एंड यहाँ पे जो ये डेटा का फ्लो रहेगा वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। मींस कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये क्लॉकवाइज होती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट पीसी है, ये सेकंड पीसी है, तो सेकंड पीसी को डेटा मिलेगा उसके पहले वाले पीसी से, फर्स्ट पीसी से उसको डेटा मिलेगा। सेकंड पीसी डेटा देगा थर्ड पीसी को, थर्ड पीसी डेटा ट्रांसमिट करेगा फोर्थ पीसी को। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे डेटा मूव करता है, एंड ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मींस कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, बाई डायरेक्शनल में मूव नहीं करेगा। बाई डायरेक्शनल हम बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बेसिक रिंग टॉपोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये आपका यूनिडायरेक्शनल रहेगा, डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, ये एंडलेस लूप है, डेटा यहाँ पे सिंगल लूप में कॉन्टिन्यूअसली क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, कोई भी यहाँ पे टर्मिनेटेड एंड नहीं होता। इतनी बात समझ में आई हमें। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट रिंग टॉपोलॉजी में हम यूज करते हैं
कौन सा एक्सेस मेथड यूज करते हैं, टोकन पासिंग, जैसे बस टोपोलॉजी में हम CSMA को यूज करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे टोकन पासिंग यूज करते हैं, मीन्स कि टोकन्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। टोकन पासिंग क्या होता है, एक एक्सेस मेथड है ये, इसके अंदर एक नोड से दूसरे नोड को टोकन पास किया जाता है। एंड यहाँ पे जो डेटा होगा वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को पास किया जाएगा अंटिल द डेस्टिनेशन एड्रेस मैचेस। जब तक कि डेस्टिनेशन एड्रेस मैच नहीं करते हो जाता, तब तक आपका डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को पास होता है, लेकिन बस टोपोलॉजी में वो ब्रॉडकास्ट होता है, मीन्स कि सभी को मिलता है। एक बार यहाँ पे डेस्टिनेशन डिवाइस को वो टोकन मिल जाएगा, फिर वो सेंडर को क्या सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट कि उसे डेटा मिल गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो सेंडर रहेगा वो टोकन को मॉडिफाई कर सकता है बाय पुटिंग द एड्रेस अलोंग विद द डेटा। टोकन क्या होता है, टोकन एक फ्रेम है दैट सर्कुलेट अराउंड द नेटवर्क। टोकन यहाँ पे एक कैरियर की तरह काम करेगा। एडवांटेज क्या रहेगा, डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे हाई स्पीड रहेगी, कॉलिजन यहाँ पे मिनिमम रहता है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है जो कि इनएक्सपेंसिव होती है, इजिली मिल जाती है, इसीलिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी यहाँ पे कम रहेगी। ये स्टार टोपोलॉजी से कम कॉस्टली होता है। जो फॉल्टी डिवाइस रहेगा आपका, आप उसे नेटवर्क से रिमूव कर सकते हो, एंड साथ साथ आपका जो नेटवर्क है वो भी काम करता रहेगा, ज्यादा रिलायबल नेटवर्क है आपका ये। एडवांटेज क्या रहेगा, फर्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये कि अगर नेटवर्क में हमारा अगर एक सिंगल नोड फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। एंड जो सेकंड यहाँ पे क्या है कि फॉल्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना थोड़ा सा क्या रहता है, डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट थर्ड डिसएडवांटेज ये रहेगा कि अगर हमें कोई भी नया नोड ऐड करना है या रिमूव करना है तो उससे हमारी जो होल टोपोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, मींस कि वहां पे इफेक्ट पड़ता है। सिक्योर कम है। एंड नेक्स्ट रहेगा कि कम्युनिकेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नोड्स। इट मींस कि अगर हम न्यू डिवाइसेस को ऐड करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन डिले है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या थी, हमारी बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी थी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी उसके बाद आपकी ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी रहेगी। ये फोर टोपोलॉजी है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, देन आपका टोपोलॉजी का टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।